के लिए मसालेदार दही भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस और चटपटी लगती है। मसालों से भरी ये दही भिंडी की रेसिपी आप लंच या डिनर में बना के सर्व कर सकते हैं। भोजन मंत्रा। भिंडी की सब्जी तो आपने बहुत तरीके से बनाई और खाई होगी, लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। तो आप जब इस रेसिपी को ढाबे स्टाइल से अपने घर में बनाएंगे तो आपको बाहर जाकर खाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं मसालेदार दही भिंडी को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम भिंडी ले ली है। इसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था और इसके ऊपर और नीचे के एजेस को काट कर अलग कर लिया था। अब इसे हम 2-3 पोर्शन में कट कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और इस तरह से हम 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे भिंडी को काट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून बेसन डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने से ये होगा कि जब हम भिंडी को फ्राई करेंगे तो इसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगी। भिंडी और बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आइए इसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज और 2 टमाटर को कद्दूकस कर लिया है। 1/2 कप दही ले ली है। मसालों में मैंने यहाँ पर नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर और गरम मसाला ले लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर 5-6 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है, 1 हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून सौंठ ले ली है। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सौंठ ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब सौंठ को डालेंगे तो हमारी ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल ही अलग आता है। तो आइए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन को गरम कर लिया है। इसमें हम करीब 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें अब हम भिंडी को शैलो फ्राई कर लेंगे। चला लेंगे अच्छी तरह। लो फ्लेम पे हम इसे सॉटे कर लेंगे। ज्यादा देर तक इसे हमें नहीं भूनना है, बस हल्की सी भिंडी सॉफ्ट हो जाए और बेसन का कच्चापन निकल जाए, इतना ही भूनना है हमें। भिंडी हमारी सॉफ्ट हो गई है और बेसन भी अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम निकाल कर अलग रख लेंगे। मैंने यहाँ पे सारी भिंडी को निकाल लिया है। इसी पैन में हम फिर से 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। चला लेंगे अच्छे से। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। जीरा भुन गया है, इसमें अब हम कटी हुई लहसुन की कलियां डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, साथ में 1/4 टीस्पून हींग भी डाल लेंगे। चला लेंगे अच्छी तरह। लहसुन भी भुन गया है, इसमें अब हम ये प्याज डाल लेंगे। प्याज को हमें अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक 1/2 टेबल स्पून। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये सौंठ भी डाल लेंगे, और साथ में ये टमाटर की प्यूरी भी डाल लेंगे। मसालों के साथ में टमाटर डालने से ये होगा कि हमारे सूखे मसाले जलेंगे नहीं। तो 2 मिनट तक हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को भून लेंगे अच्छे से। जब मसाले आपके ड्राई लगने लगे तो आप थोड़ा सा पानी मिला लें और इसको भून लें।
दो मिनट हो गए हैं, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं तेल थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे हम दही डाल लेंगे। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और दही हमें रूम टेम्परेचर पे यूज करना है। डायरेक्ट फ्रिज से निकली हुई ठंडी दही हमें यहाँ पे नहीं डालना है, नहीं तो हमारी दही फट सकती है। दही डालते के साथ फटाफट इसे हम मिला लेंगे। दो मिनट तक इसे हम और भून लेंगे ताकि ग्रेवी हमारी दही के साथ अच्छे से पक जाए। अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी का। थोड़ा सा पानी डालेंगे यहाँ पे हम, मिला लेंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी ग्रेवी की। अगर आपको ग्रेवी बहुत पतला चाहिए तो आप इसमें ज्यादा पानी डाल लें और दो मिनट तक इसे हम पकने देंगे। ग्रेवी में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे हम भिंडी को डाल लेंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने सारी भिंडी को ग्रेवी के अंदर मिला लिया अच्छे से। अब हम इसे ढक्कन से कवर करके 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेंगे ताकि भिंडी जो है हमारी अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे कि हमारी भिंडी पकी है कि नहीं। वाओ, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी तो बहुत ही अच्छी हो गई है और भिंडी भी आपस में ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। इस तरह से हम एक भिंडी लेके इसे दबा के देख लेंगे। भिंडी अच्छे से टूट गई है, इसका मतलब ये पक गई है। लास्ट में हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही मजेदार लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये स्पाइसी मसालेदार दही भिंडी की रेसिपी? आप इसे गरम गरम चपाती राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मजेदार लगती है खाने में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।